नमस्कार एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और लेकर आया हूं आपके लिए आज की वो सुर्खियां जो तमाम अखबारों की हेडलाइंस बनी। आज पहले पेज पर दैनिक जागरण की खबर है कि उत्तर भारत में तो तूफान लौटने वाला है और इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खबर में दिया गया है कि राजस्थान व हरियाणा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली जिनकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं दिल्ली में भी बिजली के तार गिरने से 3 एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई और 2 लोग जिंदा जल गए। पूरी खबर में बताया गया है कि उत्तर भारत में 4 दिन पहले लगभग 125 लोगों की जान लेने वाला आंधी तूफान सोमवार रात फिर से लौट आया और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान और हरियाणा की तरफ से आया यह तूफान आधी रात को दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में तेज हवा के चलते बिजली के तार गिरने शुरू हो गए जिसमें 3 एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई और 2 लोग जिंदा जल गए। इस घटना से राजधानी क्षेत्र में काफी तनाव का माहौल है। तो वहीं दूसरी खबर नई दिल्ली से है जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले छोड़ने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव सरकार का बनाया हुआ कानून खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर सरकारी बंगलों में मिलने वाली सारी सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली हैं और उनका कहना है कि जब व्यक्ति अपने पद से मुक्त हो जाता है तब उसे सरकारी बंगले आदि छोड़ने चाहिए। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को उम्र भर के लिए बंगले देने का प्रावधान मनमाना और भेदभावकारी था। ये संविधान में प्रदत्त बाबरी के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए इस कानून को हटा दिया गया है और जितने भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले आदि की सुविधाएं दी गई हैं वो सारी समाप्त कर दी जाएंगी। तो अगली खबर नई दिल्ली से ही है जहां सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट में हुई कठुआ दुष्कर्म कांड की सुनवाई की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मेहरोत्रा की खंडपीठ ने स्वतंत्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मामला पंजाब की पठानकोट की अदालत में भेज दिया है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस को लाइक फॉलो जरूर करें। एबीपीएस न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबर महिला उत्पीड़न से जुड़ी हुई है। मुरादाबाद में दबंगों के डर से एक छात्रा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। बड़ी खबर मुरादाबाद से ही है कि एक छात्रा दबंगों के डर से अपनी पढ़ाई तक छोड़ देती है। तो वहीं सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देकर महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रही है। कटघर थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां करूला में छात्रा ने दबंगों के डर से अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दबंग उसके पिता पर मकान बेचने का दबाव बना रहे हैं। राजी न होने पर छात्रा के साथ अश्लीलता की गई। छात्रा के परिजनों के अनुसार उन्होंने पुलिस से शिकायत की। सुनवाई न होने पर महापौर कार्यालय में भी शिकायत की गई। करूला मियां कॉलोनी निवासी युवक मजदूरी का काम करता है। मजदूरी करके उसने एक मकान बनाया, पत्नी और बेटियों के साथ वो अपने मकान में रहता है। तो वहीं दबंग इस मकान को बेचने का लगातार दबाव बना रहे हैं जिसके डर से छात्रा ने भी पढ़ाई छोड़ दी है। बताया जाता है कि जब भी छात्रा अपने घर से बाहर जाती है तो उसे ये लोग अश्लील हरकतें करते हैं जिसके कारण उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है। तो ये बड़ी खबर मुरादाबाद से ही है जहां महिला उत्पीड़न से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है और ये दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। मुरादाबाद में दबंगों के डर से छात्रा ने पढ़ाई छोड़ी, इसका हेडिंग है। तो वहीं संजय गर्ग प्रभारी निरीक्षक कटघर का कहना है कि मामले से संबंधित प्रार्थना पत्र नहीं मिला, घटना संज्ञान में आई है, पीड़ित पक्ष को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने कहा है कि क्षेत्राधिकारी कटघर को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है, जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं एक तरफ जहां पीड़ित छात्रा का पिता शिकायत करने की बात कह रहा है तो पुलिस
इस बात को सिरे से खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आई, जिसकी वजह से हो सकता है कि दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हों और छात्रा को अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा हो। और दूसरी बड़ी खबर भी मुरादाबाद से ही है, जहां नगर निगम में 5 मिनट के अंदर 9 अरब रुपए का बजट मंजूर कर दिया गया। उससे पहले पार्षद भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन जब बजट को मंजूर करने की बारी आई तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। मात्र 5 मिनट में मुरादाबाद के विकास के लिए 9 अरब रुपए का बजट मंजूर कर दिया गया। आपको बताते चले कि स्मार्ट सिटी के सामने आने वाला ये मुरादाबाद शहर, जिसकी जो सीमा स्मार्ट सिटी के लिए दी गई है वो सिर्फ वही इलाके हैं जो पॉश इलाके कहलाते हैं, जहां पर काम कराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ साथ महानगर के विकास के लिए मात्र 5 मिनट के अंदर 9 अरब रुपए का बजट मंजूर कर दिया जाता है, जिसमें किसी के द्वारा किसी प्रकार का भी विरोध नहीं किया गया है। खबर में बताया गया है कि हंगामे के बीच बिना चर्चा के पार्षदों ने 9 अरब रुपए का वर्ष 2018 और 19 का आय व्यय का बजट बिना किसी टीका टिप्पणी के पास कर दिया है। किसी पार्षद ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, ना ही किसी ने इस चीज में कोई कमी निकालने की कोशिश की। और दूसरी बात यहाँ सामने आ रही है कि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले 11 लाख रुपए कम टैक्स की वसूली की गई है। टैक्स घपलों के आरोप नगर निगम पर लगते चले आ रहे हैं। घपले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें 25 टेंडर निरस्त किए जाने की बात भी सामने आई है। जिसमें कहा गया है कि टेंडर घपले व शौचालय पर हंगामा, बैकफुट पर महापौर, शौचालय की शेष जमीन पर बनेगी नगर निगम की दुकानें। तमाम जगह पर शौचालय जैसे जहां बनने चाहिए थे वहां पर भी लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए। इस मामले पर लेकर महापौर भी बैकफुट पर आ रहे हैं, ये बात दैनिक जागरण अखबार कह रहा है। ये बड़ी खबर नगर निगम मुरादाबाद से आ रही है। सफाई के मुद्दे पर उपनगर आयुक्त को भी घेरा था। बैठक में सफाई के मुद्दे पर नगर आयुक्त जगदीश यादव का भी घेराव किया गया। इस दौरान काफी पार्षद गुस्से में थे, लेकिन बात यहां आती है कि 5 मिनट के अंदर जब 9 अरब रुपए का बजट पेश किया जाता है तो वो पास कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं इस मामले की भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए एबीपीएस न्यूज में बस इतना ही। इसी के साथ अजय प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें।